हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 1 2, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा गया, 1 to 9 होगा, ठीक है। ये हम लोग 9 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। अगर आप तो और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, आपको और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ये सर्च कीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले इसका क्या करना है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैं भी देखूं कि आप मैथ के साथ और सब्जेक्ट को कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11 और इन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बेसिक क्या करना है, आपको एक चीज याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। साइन 60, साइन 30, ये सभी वैल्यूज आपके टंग पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपको दम रटा होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। मेरा एडवाइस क्या रहेगा कि इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप पूरे अच्छी तरह से रट लीजिए टेबल को, और रटना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद इस पे बस अप्लाई कीजिएगा। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखकर मत बनाइएगा इस चैप्टर को, मेरा यही एडवाइस रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे किसका, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबका वैल्यू आप रट लीजिए और निकाल लीजिए प्यार से, ठीक है। चल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन 60। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखकर याद कर लीजिएगा, तो √3/2 होता है, और यहाँ पे कॉस 60 कितना, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटू ये कर लिए, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 याद रखिएगा 1/2 होता है, और साइन 30 भी कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, √3 × √3 कीजिएगा, √3 × √3 कीजिएगा, तो √3 का स्क्वायर आएगा, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्क्वायर रूट को लेकर गायब हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से प्यार से 3 लिख लेंगे, और नीचे देखिए 2 × 2 4 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। यहाँ क्या चीज का साइन है, प्लस का है, तो प्यार से प्लस दे दीजिए, ठीक है। 1 × 1 1 हो जाएगा क्या, और नीचे 2 × 2 4 हो जाने वाला है क्या, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 ही आ जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। 4 के टेबल में 4 4 1 टाइम्स में, और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही आएगा, ठीक है। 3 + 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाने वाला है, 1 आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव कर रहे हैं, आंसर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 1 ही आ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ले आए हैं हम लोग को, देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही इस चैप्टर को बनाइएगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। और कॉस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी √3/2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस का साइन है, प्यार से माइनस दे दीजिए। कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालना चाहे √3 × √3, यहाँ पे क्या लाए थे, 3 लाए थे ना, तो बस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 4 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, माइनस का साइन है तो प्यार से माइनस दे देंगे। 1 × 1 1 हो जाएगा, और नीचे 2 × 2 4 कर लें तो कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, और 1 × 3 कीजिएगा तो 3 ही आ जाएगा, माइनस साइन, ये माइनस तो माइनस दे दिए। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, 1 × 1 1 ही कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 3 − 1 2 हो जाने वाला है क्या, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस ये कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1/2 आ रहा है कि नहीं,
चलिए 1/2 आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड में भी क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं। थर्ड 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 यहाँ पे से थर्ड उतार लिए। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, cos 30 √3/2 याद कर लेना है आप लोग को। माइनस का साइन है, प्यार से माइनस दे दीजिए। sin 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 हो जाता है, और sin 30 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 × √3 √3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 × 2 2 × 2 4 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, माइनस का साइन है, प्यार से माइनस दे देंगे। √3 × 1 √3 कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और यहाँ पे नीचे भी क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में 0 कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, और उसके बाद √3 − √3 यहाँ पे ये मेरा कितना आ जाएगा, 0/4 0 हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देख लेते हैं, 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर देख रहे हैं। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज याद रखना है और बस पुट करते चले जाना है। ठीक है, पुट करते चले जाना है। देखिए यहाँ पे cos 45 याद कीजिएगा, 1/√2। ठीक है, 1/√2 into cos 30, cos 30 कितना, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 कर लेंगे। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। sin 45 इसका भी कितना होता है, 1/√2 होता है, इंटू sin 30, sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाने वाला है क्या, तो √3 लिख दीजिए, और नीचे √2 × 2 √2 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। 1 × 1 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2 × 2 कितना, 2 √2 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, और नीचे का क्या करेंगे, दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√2 ही आएगा, और यहाँ पे 2√2 को 2√2 से मतलब कितने टाइम्स में करेंगे कि 2√2 आ जाए तो 1, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, और 1, और यही हम लोग का आंसर भी आ रहा है। आंसर मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देख रहे हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, मेरे पास 10 30 दिया गया है, cos 60 दिया गया है, प्लस साइन 10 60 दिया गया है, और sec 30 दिया गया है। ठीक है, 10 30 कितना हो जाएगा मेरा, 10 30 अगर याद कीजिएगा तो हम लोग कैसे याद किए थे, साइन और कॉस का डिवाइड करके, तो मेरा कितना आ जाने वाला है, 1/√3 आ जाने वाला है। ठीक है, cos 60 कैसे निकाले थे याद कीजिएगा, मैंने बताया है, ट्रिक से रटाया भी आप लोग को, आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। ठीक है, cos 60 किसका, sin 60 का उल्टा। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो साइन का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। 10 60 10 60 फिर से साइन और कॉस का डिवाइड कर दीजिए ऊपर ऊपर वाला, तो sin 60 में कितना आता है, √3 आता है ऊपर में, और इसमें कितना आता है नीचे, 1, तो 1 1 ही हो जाएगा, √3 आ जाएगा। इंटू sec 30 किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा करके कॉस का उल्टा कितना होता है, कॉस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती। ठीक है, तो cos 30 का कितना, √3/2, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। चलिए इसको इससे काट दे तो कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे देखिए 2 ऊपर 2 × 1 2 √3 × √3 3 हो जाएगा क्या, प्लस साइन प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 मतलब 1 ऐसा। ठीक है, इसको एलसीएम लीजिएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और इसको 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, तो ये मेरा 2 आ जाने वाला है, प्लस साइन 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, और इसको अगर लिखना चाहे तो 8/3, और इसी को देखिएगा बुक में कैसे करके लिखा गया है, इसको कैसे करके लिखा गया है, ऐसे कुछ करके लिखा गया है। ठीक है, यही आंसर आ गया, 3 2 6, 6 + 2 8। ठीक है, 8/3 ये आपका आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आसान सा है, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर लेना, बस इतना सा ही तो है। बस इसमें एक चीज याद रखना है, आपको सारे वैल्यूज को याद करना है अच्छे से, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा, ऐसा मेरा एडवाइस है, ठीक है? ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए हमेशा के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है। सबसे पहले टू दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे टू उतार लीजिए, टू उतार लीजिए, ठीक है? टू उतार लीजिए। टू उतारने के बाद कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2 होता है क्या? 1/2 होता है क्या? और इसका क्या करना है? देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो बस प्यार से स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है? प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है क्या? तो बस यहाँ प्यार से 3 लिख लीजिए। अब कितना उतारना है? साइन स्क्वायर 45। सबसे पहले साइन 45 का जो वैल्यू हो जाता है 1/√2 हो जाता है, और इसका क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, तो प्यार से स्क्वायर कर दीजिए। माइनस दिख रहा होगा तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए। यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 लिख लीजिए। अब किसका करना है? साइन 30 का स्क्वायर करना है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 2 × 2 × cos 90, cos 90 का कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्या? और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो प्यार से 4 लिख लिए। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है तो 3 लिख दीजिए। इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्या? तो 1 लिख लिए। और √2 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या? और ये हम लोग को पता है रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो अभी से ध्यान रख लीजिए, ठीक है? रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा तो ये बस 2 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लिख लिए। माइनस साइन 3 है तो 3 पुट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, या 2 का स्क्वायर 4। प्लस साइन 0, ये कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 × 2 0, तो इसको 0 कर दिए। अब बड़े प्यार से इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे इसको, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। यहाँ पे 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? तो 3/2 कर लिए। माइनस साइन माइनस कर लिए, 3 × 1 कितना? 3, तो 3, और नीचे कितना? 4। बस इतना ही। अब इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। सबका एलसीएम लीजिएगा, 2 × 2 = 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो 4 आ जाने वाला है। और देखिए 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का साइन है, बड़े ही प्यार से प्लस दे दीजिए। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। और जो ये 2 टाइम्स आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस दे दीजिए। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है? 2 + 6 = 8 हो जाने वाला है। 8 − 3 / 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा। और आपका जो आंसर में दिया गया है कुछ इस टाइप से दिया गया है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो आपका आंसर ये करेक्ट आंसर ऐसा दिया गया, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इसको भी क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्या करना है, वैल्यूज को चुपचाप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है? साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है क्या? तो इसका क्या करेंगे? सॉरी, हाँ ठीक है, साइन 30 1/2, इसका स्क्वायर, ये मतलब इंटू का साइन है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 45। सबसे पहले कॉस 45 का वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 4 × 4 × tan 30, टेन थर्टी कितना होता है? 1/1 कितना होता है? सॉरी, टेन थर्टी कितना हो जाता है? 1/√3 होता है, तो 1/√3 पुट कर देंगे, ठीक है? इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दिए। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। हाफ यहाँ से उतार लीजिए। और साइन स्क्वायर 90, 90 साइन 90 कितना? 1, 1 का स्क्वायर। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 1/8। अब क्या करना है? कॉट स्क्वायर 60, ठीक है? कॉट स्क्वायर 60 कैसे निकाले थे? टेन 60 का उल्टा कर दिए थे।
तो टेन सिक्सटी का कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, और टेन सिक्सटी का उल्टा करेंगे तो वन बाई रूट थ्री, ये मेरा कॉट सिक्सटी का हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, प्यार से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते चलिए। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना फोर, तो यहाँ फोर लिख लिए, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई दे दीजिए। वन का स्क्वायर वन, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट को लेके, गायब हो जाएगा, अगर नहीं जानते तो अब से जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टू कर लेंगे, प्लस साइन फोर इंटू वन का स्क्वायर कितना वन, और रूट थ्री का स्क्वायर इसी रूल से थ्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन प्लस दे दीजिए, वन का स्क्वायर वन इंटू वन वन हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए, वन बाई एट है तो वन बाई एट प्यार से उतार लीजिए, और यहाँ पे वन का स्क्वायर कितना वन हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाने वाला है। इसको सॉल्व कीजिए, वन इंटू वन वन हो जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाई फोर इंटू टू एट कर ले तो कोई दिक्कत क्या, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, यहाँ पे क्या फोर इंटू वन फोर कर ले क्या, और नीचे कितना है थ्री है, प्लस साइन दे दीजिए, वन बाई टू है, और प्लस साइन वन इंटू वन वन कर ले तो कोई दिक्कत क्या, और नीचे एट इंटू थ्री 24 कर ले तो कोई दिक्कत क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाने वाला है, एट थ्री टू 24 का एलसीएम लीजिएगा, मेरे पास 24 आएगा, एट के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, थ्री टाइम्स में आता है, और थ्री को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, थ्री के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, एट टाइम्स में आता है, एट को फोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, अब टू के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम्स में आता है, 12 को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, 24 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, वन टाइम्स में आता है, वन को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा वन ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 48 ऊपर आ जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो आपका आंसर टू आ जाने वाला है, ठीक है। आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर आ रहा है टू है और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर एट में भी आसान सा है, कुछ करना है नहीं, इसको भी क्या करेंगे वही वैल्यूज को पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आंसर फाइंड करेंगे, देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर 30, कॉट का कैसे निकाले थे, टेन का उल्टा करके, तो टेन 30 कितना हो जाएगा मेरे पास, वन बाई रूट थ्री हो जाएगा क्या, और टेन का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। मतलब क्या कि कॉट 30 रूट थ्री, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो प्यार से स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, टू है तो टू लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू हो जाएगा क्या, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, थ्री बाई फोर तो थ्री बाई फोर पुट कर लीजिए, सेक स्क्वायर 45, सेक का कैसे निकाले थे, सेक का हम लोग निकाले थे कॉस का उल्टा करके, कॉस 45 कितना वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू का उल्टा करेंगे तो रूट टू आ जाएगा, रूट टू का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, सेक 45 का रूट टू, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, वन बाई फोर कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक कैसे निकाले थे, ये साइन का उल्टा होता था और साइन कितना आता था वन बाई टू आता था, वन बाई टू आता था तो वन बाई टू का उल्टा टू हो जाएगा, और इसी का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको प्यार से सॉल्व करते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा तो सिंपली थ्री आ जाएगा, माइनस साइन टू है तो टू लिख दीजिए, फिर से यहाँ से स्क्वायर करना है तो रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाएगा तो यहाँ पे थ्री, और टू का स्क्वायर फोर कर लेंगे, माइनस है माइनस दे दीजिए, यहाँ पे थ्री बाई फोर है तो थ्री बाई फोर उतार लीजिए, रूट टू का स्क्वायर स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा टू हो जाएगा, प्लस साइन वन बाई फोर इंटू टू का स्क्वायर फोर कर ले तो कोई दिक्कत क्या। अब जो कट रहा काट लेते हैं, इसको टू काट लेंगे, इसको यहाँ पे भी टू हो जाएगा और ये मेरा वन आ जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे थ्री आ रहा है और ये माइनस साइन थ्री बाई टू आ रहा है क्या, तो यहाँ से थ्री बाई टू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरा माइनस थ्री बाई टू आ रहा है तो माइनस थ्री बाई टू कर लेंगे, प्लस साइन यहाँ पे कितना आ रहा है वन आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस थ्री और इस वन को
ऐड कर लेंगे, ठीक है, -3y2 -3y2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, मेरा 2 to 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है, 2 to 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस का साइन है, बड़े ही प्यार से माइनस दे दीजिए। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, और इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8, और ये माइनस माइनस एक साथ ऐड हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, तो -6 और डिवाइडेड बाई 2, या कितना आ रहा है, 8 - 6 2 आ रहा है, और नीचे भी 2 आ रहा है, और इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं 8 का 1, और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी कुछ है नहीं, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए तो आइए शुरू हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए cos 0 का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है क्या, तो 1/√2 पुट कर लिए। प्लस साइन, साइन 30 1/2 होता है क्या, तो यहाँ से 1/2 बड़े ही प्यार से उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, माइनस साइन cos 45 फिर से 1/√2, प्लस साइन, प्लस दे दीजिए, cos 60 कितना होता है मेरे पास, 1/2 हो जाता है। अब इसको बड़े ही प्यार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना है मेरे पास, यहाँ पे 1 है, अब 1√2 और 2, देखिए 1√2 और 2 तीनों क्या है, अलग अलग डिजिट है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में आएगा, तो 1 के टेबल में 2√2 टाइम्स में ही आएगा, तो बस यहाँ पे 2√2 पुट कर लिए। प्लस साइन, रूट 2 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, ठीक है। √2 और √2 कितना, 2√2, ठीक है। मतलब क्या कि √2 के टेबल में 2√2 टाइम्स में आएगा, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस साइन, 2 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में आएगा, अगर 2 में √2 मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। मतलब क्या कि 2 के टेबल में 2√2 टाइम्स में आएगा, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आ गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर लिए, 2√2 कर लिए। अब यहाँ देखिए, 1 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में, 2√2 ही टाइम्स में, तो ऐसे लिख लिए। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। √2 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, 2 × 1 करेंगे, 2 हो जाएगा। प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। अब 2 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में, 2 के टेबल में 2√2 कितने टाइम्स में, तो √2 टाइम्स में, √2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। अगर √2 को अगर ऐसे ही समझे, ये मेरा गाय है और ये भी मेरा क्या, √2 गाय है, तो 2 गाय + 1 गाय 3 गाय हो गया क्या, तो यहाँ पे 3 और गाय किसको माने, √2 को, तो यहाँ पे √2 प्यार से पुट कर देंगे। प्लस साइन कौन सा बच गया, 2 बच गया, तो इसको बड़े ही प्रेम से लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और नीचे क्या है, 2√2 है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2√2 + √2 सेम वही चीज, 3√2, तो यहाँ पे 3√2 कर लिए, माइनस 2 कर लेंगे, और नीचे कितना है, 2√2 कुछ ऐसा है। अब क्या करेंगे, ऊपर का अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ ऐसा 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 कैसा कैसा कैसा, ठीक है, ऐसे कर लिए, ठीक है, ऐसे कर लिए। और नीचे अगर इसको देखिए, दोनों सेम है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है,
इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 × 2 = 4 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, 2 × 2 = 4। ठीक है, और ये कितना है, √2 × √2, √2 × √2 हो जाएगा क्या, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4 और √2 × 2 = 2, इसको मल्टीप्लाई करके 8 ले आए तो नीचे कितना आ जाने वाला है, 8 आ जाने वाला है। अगर इसको a मान लें और इसको अगर 3√2 को a मान लें और b 2 को b मान लें और यहाँ से इसको a मान लें इसको b मान लें, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² - b² = a + b * a - b, ऐसा होता है क्या? तो अगर ऐसा यहाँ फॉर्म आ गया तो इस फॉर्मूले पे रख दे तो कोई दिक्कत क्या। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला का क्या आ जाएगा, a² - b² ए कितना मान चुके हैं, 3√2 को, 3√2 को ए माने मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। बी कितना मान चुके हैं, बी मेरे पास 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे कितना है मेरे पास, नीचे 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे से 3√2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 3 × 3 = 9, तो प्यार से 9 लिख ली। ठीक है, √2 × √2, √2 × √2 कितना, 2 हो जाएगा क्या, और 9 × 2 = 18 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर 18 हो गया, माइनस का साइन है, प्यार से माइनस दे दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 लिख लेंगे, और नीचे कितना है मेरे पास, 8 है, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 14/8 आ जाएगा, और इसको कट कीजिएगा 7/4, और इसी को बुक में जो आंसर दिया है कितना दिया है, 1/3/4, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर दिया है, चलिए यही आंसर दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियोज के लिए क्या कीजिए, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।